पिछले 3 दिन से महाराष्ट्र में बनेरा अमरावती जिले के बनेरा मतदार संघ के विधायक जो पिछले 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जो हमारे यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके सीएस को फोन किया गया, रात में फोन किया, डॉक्टर को बुलाया गया और जब 102-103 बुखार था और बॉडी का सीवियर पेन था उन्हें, जब 102 बुखार होने के बाद हमने उनको बोला कि सुबह आकर थ्रोट स्वैब ये लेकर जाके उसे टेस्ट करना, COVID-19 का बहुत जरूरी है बिकॉज जो सिम्टम्स जो चीजें हमें दिख रही हैं उसकी टेस्ट होनी बहुत जरूरी है क्योंकि पिछले कई दिनों से हम लोगों का लोगों के अंदर मिलना जुलना थोड़ा सा ज्यादा था और लोगों की मदद करते करते उनको जब बुखार आया रात में 4 बजे तो हमने थ्रोट सैंपल दिया उन्हें। थ्रोट सैंपल देने के बाद दूसरे दिन 24 घंटे के बाद हमने थ्रोट सैंपल के लिए एम्स से मुझे फोन आया तो मैंने उनको पूछा कि भाई इसका रिजल्ट क्या है, इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। तो उन्होंने एम्स के डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका थ्रोट सैंपल जो लिया है वो करेक्ट नहीं है, एक विधायक का और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का थ्रोट स्वैब लेते हैं और वो करेक्ट नहीं लेते हैं। मुझे बताइए कि हमारे जिले में आज अमरावती जिले में महाराष्ट्र में ये जिला है और ये जिले में जितने भी पेशेंट अभी तक हमारे जिले में मिले हैं वो सब मरने के बाद मिले हैं, एक भी जीवंत एक भी जिंदा पेशेंट हमारे यहाँ पे कोरोना का डिटेक्ट नहीं किया डिटेन और उसे कभी आइसोलेशन वार्ड में नहीं रखा, मरने के बाद 4 दिन के बाद पता लगता है कि ये कोरोना पेशेंट है। तो हमारे यहाँ पर जो जिला अधिकारी हैं, जो कलेक्टर है और हमारे सीएस हैं वो फेलियर है क्योंकि हर पेशेंट की मरने की इंतजार वो कर रहे हैं। अगर एक विधायक और एक एमपी के साथ में ऐसा व्यवहार होता है और ऐसी सैंपलिंग होती है तो हमारी जो अमरावती जिले में रहने वाले हर गरीब लोग जो सैंपलिंग के लिए जाते हैं तो ये कैसे विश्वास माना जाए कि उनका सैंपलिंग करेक्ट हो रहा है। तो ये चिंता यहां से शुरू होती है और मुझे लगता है कि आज तक के जो रिपोर्टिंग हमें ये लोग दे रहे थे कि इतनी सैंपलिंग हुई है, इतनी टेस्ट हुई है, इतने डिटेन हुए हैं, इतने रिजेक्ट हुए हैं और इतने लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा है उसी विश्वास में हम चल रहे थे, पर आज जब हमारे साथ ऐसा हुआ है तो मैं इनके रिपोर्ट पे जिला अधिकारी के बातों में किस तरीके से विश्वास रखना और सीएस के, तो मैं 100% आज मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र के और हमारे सेंटर के हेल्थ मिनिस्टर इनसे जरूर बात करूंगी और इस विषय पे बहुत जरूरी सीरियस चर्चा होनी बहुत जरूरी है क्योंकि पेशेंट और हमारी जनता को अगर बचाना है तो ऐसे लोगों के हाथ से बचाना बहुत जरूरी है।